वेलकम बैक विद अनदर व्लॉग। मेरा नाम है सुमित और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल एक्सप्लोर दिल से। सो गाइज, सबसे पहले तो थैंक यू सो मच कि आप लोगों ने मेरी प्रीवियस वीडियो को इतना सारा प्यार दिया। एंड गाइज, आई होप आपको मेरी जो दिल्ली से श्री माता वैष्णो देवी कटरा तक की जो मेरी ट्रेवल जर्नी थी वो आपको पसंद आई होगी। सो प्रीवियस वीडियो में आपने देखा होगा कि मैंने लास्ट में लिख दिया था टू बी कंटिन्यूड, एंड अब ये जो पार्ट है ये सेकेंड पार्ट होने वाला है। बट डे जो रहने वाला है वो सेम रहने वाला है। कटरा रेलवे स्टेशन से उतर के हम लोगों ने अपने रूम से चेक इन वगैरह कर लिया। जो नीचे एक बस स्टैंड है वहाँ से हम लोगों ने रजिस्ट्रेशन वगैरह कराया। सो अब मैं आपको यहाँ से जो मेरा दूसरा व्लॉग जो स्टार्ट होने वाला है वो यहीं से स्टार्ट होने वाला है, जिसके थ्रू मैं आपको सारी इन्फॉर्मेशन बताने वाला हूँ कि श्री माता वैष्णो देवी कटरा रेलवे स्टेशन से लेकर बस स्टॉप तक कितना आपको फेयर लगने वाला है। एंड उसके बाद वहाँ से जो रजिस्ट्रेशन जो आपको अप्लाई करना होगा वहाँ से क्या, मतलब उसकी जो टाइमिंग रहने वाली है वो क्या रहने वाली है। एंड सो गाइस, अब मैं सबसे पहले स्टार्ट करता हूँ। श्री माता वैष्णो देवी कटरा से बस स्टैंड का जो रास्ता है वो है 2 से 2.5 किलोमीटर का रास्ता है, जिसमें आपको रेलवे स्टेशन के बाहर आपको काफ़ी सारी टैक्सीज वगैरह जो अवेलेबल मिलेंगी। एंड इनकेस आपको टैक्सीज पर नहीं जाना तो वहाँ पर ऑटो भी अवेलेबल होंगे, जिनके मैं फेयर मैं आपको बता दूँ जो हमसे इस टाइम पर चार्ज करे वो है 160 रुपीज़। टोटल फेयर है उसका 150 रुपीज़, जिसमें 10 रुपीज़ उनका जो है टोकन अमाउंट है वो आपको तो आपको जो टोटल पे करना होगा 160 रुपीज़ पे करना होगा, जिसमें सबसे स्टार्टिंग ये मैं आपको जो फेयर बता रहा हूँ ये है रिक्शा से, जिसमें हम लोगों 5 लोग, जैसे कि मैंने अपने प्रीवियस वीडियोज़ में देखा होगा हम टोटल 5 जनों ने ट्रेवल करा था। सो हम लोगों ने एक रिक्शा लिया था जिसमें आपको टोटल फेयर पड़ा था 160 रुपीज़ का। अब मैं आपको बताता हूँ, जब आप लोग बस स्टैंड पहुँचते हैं, बस स्टैंड पहुँचने को आप उसको एक फुहारा चौक भी बोल सकते हैं, वहाँ के जो लोकल गाइड है उन्होंने मेरे को बोलते हैं आप इसको फुहारा चौक भी बोल सकते हो, बस स्टॉप भी बोल सकते हो, जहाँ से आपको रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी है। सो गाइस, मैं आपको ये एक लेटेस्ट अपडेट बता रहा हूँ कि अब से जो भी श्रद्धालु श्री माता वैष्णो देवी भवन पर यात्रा करना चाह रहे हैं उसको, उनके लिए आपको सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। सो रजिस्ट्रेशन के लिए क्या करना होगा आपको, जैसे ही आप फुहारा चौक पहुँचोगे आपको ठीक लेफ्ट हैंड साइड पे किसी भी या फिर किसी भी लोकल गाइड से आप पूछ सकते हो कि भाई जो है यात्रा का जो काउंटर है वो कहाँ पर होगा, उसके लिए आपको क्या क्या चीज़ रिक्वायरमेंट होगी वो आपको अभी मैं इस ब्लॉग में बताने वाला हूँ। सो सबसे पहले आप लोग अपनी लोकल IDs कार्ड, जिसमें आधार कार्ड आप अपना रख सकते हो, वो आपको वहाँ पर चेकिंग के लिए दौरान आपको दिखाना होगा। देन उसके बाद वो आपकी वेरिफिकेशन होगी, आपके फोटो क्लिक वगैरह होगी, एंड उसके बाद आपको कुछ इस टाइप का एक रजिस्ट्रेशन ये एक कार्ड है आपको, ये मैंडेटरी है यात्रा के दौरान हमेशा कैरी करना होगा। सो अब एक और चीज़ मैं आपको ये बताता हूँ कि ये कब करवाए। सबसे पहले तो आप श्री माता वैष्णो देवी कटरा से जैसे ही आप बस स्टॉप पर आएंगे, सबसे पहले आपको क्या करना होगा, सबसे पहले आपको होटल चेक इन करना होगा। होटल चेक इन करने के बाद अपना फ्रेश वगैरह हो सकते हैं, फ्रेश होने के बाद अपना खाना वगैरह खा सकते हैं। उसके बाद आपको क्या करना होगा, वापस फुहारा चौक और बस स्टॉप पर आके अपने जो यात्रा काउंटर है वहाँ से आप अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं, जिसकी फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई चार्जेस नहीं है। टाइमिंग की अगर मैं बात करूँ तो सुबह 5 बजे से लेकर रात को 10 बजे तक काउंटर जो है ओपन रहता है, उसके बाद काउंटर जो है बंद हो जाता है। बट मैं आपको एक बार फिर से रिमाइंड करवाना चाहता हूँ कि ये जो चार्जेस बिल्कुल भी नहीं है, इसके फ्री ऑफ कॉस्ट है एंड मैंडेटरी है, आपको हमेशा पहनना ही पड़ेगा। अब हम लोग क्या करने वाले हैं, अब हम अपनी यात्रा जो है यहीं से स्टार्ट करने वाले हैं। फिलहाल अभी हम लोगों ने रूम चेक इन वगैरह करा, फ्रेश वगैरह हुए और हम लोगों ने जस्ट अभी खाना वगैरह खाया है, अब हमारी जो यात्रा है श्री माता वैष्णो देवी भवन जो पवित्र भवन है हम उसकी यात्रा स्टार्ट करने वाले हैं यहीं से। खाना खाने के बाद हम लोग अब थोड़ा रुके थे, देन उसके बाद मैंने सोचा कि क्योंकि बीच में लाइटिंग वगैरह का काफ़ी इश्यूज था, जैसे कि आपको पता ही है कि सेम डे है व्लॉगिंग का बट पार्ट 2 है और नाइट हो चुकी है। हम लोगों ने जो यात्रा करने का सोचा था वो है रात को प्लानिंग करी थी। अब मैं आपको बताने वाला हूँ कि यात्रा के दौरान आप लोग श्री माता वैष्णो देवी के भवन तक कैसे कैसे आप लोग पहुँच सकते हो। सो सबसे पहले मैं आपके बात करूँगा यहाँ के जो है पालकी और पिट्टू, अगर इनके साथ वो लेना चाहो तो आपको यहाँ पर इजीली अवेलेबल होंगे, जिसकी टाइमिंग सुबह 5 बजे से रहती है। बाकी ऐसा नहीं है कि आप लोग अगर अभी रात के 1 बज रहे तो आपको पालकी या पिट्ठू नहीं मिलेगा, मतलब पालकी और पिट्ठू दोनों मिल जाएंगे, जिनके फेयर्स एंड डिपेंड करता है सीजन्स के अकॉर्डिंग। सो अभी जो यहाँ पर प्राइस रहने वाला है वो आपको स्क्रीन के ऊपर शो कर दूंगा कि भाई कितना प्राइजेस रहने वाला है। एंड अब मैं, ये थे पालकी और पिट्ठू की बातें, अब मैं बताऊँगा कि जो लोग जो बुज़ुर्ग हैं जो यात्रा पालकी और पिट्ठू से नहीं करना चाहते, सो मैं आपसे एक इसके लिए एक बेस्ट ऑप्शन है कि आप लोग यहाँ से जो नीचे बस स्टॉप है वहाँ से एक निहारी का भवन है जहाँ पर आप लोग
श्री माता वैष्णो देवी के भवन तक की आरती अगर आपको अटेंड करनी होगी तो वहाँ के लिए भी आप लोग वहाँ से रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं, वहाँ से टोकन ले सकते हैं, जिसके चार्जेस रहने वाले 2,000 rupees। सो और इनकेस आपको हेलीकॉप्टर से आना ट्रेवल करना होगा तो उसके चार्जेस पर पर्सन के एंड पर साइड के रहने वाले 1,813 rupees। सो ये सारी इन्फॉर्मेशन मैं इस वीडियो में आपको बताना चाह रहा था। सो ये थी सारी इन्फॉर्मेशन जो आई होप आपको पसंद आई होगी। बाकी अब हम लोग करने वाले हैं अपनी यात्रा की ये शुरुआत। सो एंड आप सबसे रिक्वेस्ट है कि यार अगर आपको वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो के नीचे जय माता दी लिखना ना भूलिए। उम्मीद करता हूँ कि हमारी यात्रा भी सफल रहे एंड माता रानी आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी करें। सो चलो स्टार्ट करते हैं हम अपनी जर्नी यहाँ से, एक बार जयकारा लगाते हुए। जयकारा शेरावाली का बोल साचे दरबार की जय। इन्होंने सर पे बांधने के लिए एक पटका लिया जो जिसकी हमारे को कॉस्ट दिया है 5 rupees की पर पर्सन के लिए दिया और हमारे को टोटल पड़ा है 25 rupees का। और बाकी आप यहाँ से आके सारे ऐसे स्टोर्स आपको सारी जगह पूरी यात्रा करते हुए आपको मिल जाएंगे जहाँ से आप चीज़ें वगैरह ले सकते हो। यहाँ पर सारे आइटम आपको मिल जाएंगे। इनकेस आप लोग अपनी शूज़ वगैरह लाना भूल जाते हो तो यहाँ पर आपको शूज़ वगैरह मिल जाएंगे यात्रा करने के लिए। और एंड प्रसाद भी यहाँ पर आपको ईजिली मिल जाएगा, काफ़ी सारे स्टोर्स आपको यहाँ पर दिख जाएंगे। सो आप यहाँ से प्रसाद वगैरह सब कुछ यहाँ से कलेक्ट कर सकते हो, नहीं तो ऊपर से भी आप ले सकते हो। सो वीडियो पर ऐसे बने रहिएगा एंड आपको सारी की सारी इन्फॉर्मेशन आपको वीडियो के थ्रू आपको मिलती रहेगी। सो भाइयों और बहनों, हम लोग बस नीचे यात्रा से जहाँ से हमने स्टार्ट करी थी और ठीक हमारे यहाँ से 1 kilometer दूर रह गया जहाँ पर है अपना अर्थ क्वारी। और मेरे सामने जो है मेरे जो दोस्त यार है वो अब थक चुके हैं, थोड़ा बहुत यहाँ पर बैठे हुए हैं। तो भाई मैंने ना वीडियो में थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन शेयर करी है तो मैं भाई तुमसे पूछना चाह रहा हूँ कि भाई इन केस कोई याद श्रद्धालु जो यहाँ पर माता रानी के पवित्र भवन पर यात्रा कर रहा है इनके, तो आप लोग मतलब व्यूअर्स को क्या क्या चीज़ कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन कुछ आप लोग बताना चाह रहे हो कि रास्ते में चलते हो आप लोग क्या क्या चीज़ कैरी कर सकते हो। तो भाई अब कुछ भाई मैं स्टार्ट करूँगा तो उससे भाई कुछ बताना चाहेगा कि भाई कि श्रद्धालु को कि भाई क्या क्या चीज़ आप लोग कैरी कर सकते हो। भाई मैं तो अभी कुछ नहीं लेके चल रहा, वैसे आप मेडिसिन वगैरह लेके जा सकते हो। ठीक है, बाकी क्या नाम है, बड़ा मिनिमम बैग कैरी कर सकते हो आप। ठीक है, जरूरत की चीज़ें। ठीक है, जैसे कि भाई ने काफ़ी सही चीज़ कही कि आप मेडिसिन वगैरह के लिए साथ अपने लेके जा सकते हो। जैसे हमारे साथ का जो एक बंदा है उमेश भाई, उसकी हालत थोड़ी बहुत टाइट है क्योंकि इसको फीवर वगैरह काफ़ी मतलब दिल्ली से जब से चला था उसको फीवर हो रहा था। सो बेचारा अभी होटल से चलते हुए भी मेडिसिन वगैरह खाई थी बट इसके अभी थोड़े लेग्स पेन वगैरह भी हो रहे हैं। एंड अगर लेग्स पेन की बात करूँ तो यार यहाँ पर आपको रास्ते में चलते हुए काफ़ी जो मसाजेस वाली शॉप भी मिल जाएंगी जिसमें नॉमिनल फेयर है जिसका चार्जेस रहने वाले 50 to 100 rupees। एंड कितने मिनट का रहने वाले ये चीज़ का मैंने उनसे कंफर्म नहीं करा था। तो भाई ये थे कुछ भाई ने जो आपको बताया। भाई चेतन भाई तू क्या कहना चाहता है कि मतलब क्या मतलब रास्ते में चलते हुए श्रद्धालु को क्या क्या चीज़ कैरी करनी चाहिए? भाई आप लोग जब भी आओ चढ़ाई के लिए एक जोड़ी कपड़ा लेके आओ जो आपको वहाँ पे भवन में नहाने के बाद पहनने हैं पवित्र कपड़े। ठीक है, बाकी ज़्यादा सामान लाओ मत क्योंकि चढ़ते टाइम आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ हो सकती है। सही कह रहा है भाई, थैंक यू सो मच, मेरी ये आपसे एडवाइस थी। ठीक है भाई, तो भाई चेतन का भी कहना सही है कि इनकेस आप लोग अपने माता रानी के पवित्र भवन पर आप यात्रा कर रहे हो तो आप लोग एक सिंगल बैग कैरी कर सकते हो जिसके अंदर आप एक हल्के फुल्के कपड़े रख सकते हो। एंड इनके अगर मैं वेदर कंडीशन की बात करूँ तो यार इस टाइम ना कोई सर्दी है ना गर्मी है, हम लोगों ने बस एक देख सकते हो कि हम लोगों ने एक नॉर्मल सी टी शर्ट पहनी हुई है और हम लोग एक सिंगल बैग कैरी कर रहे हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि हम लोग ऊपर जो है सबसे पहले दर्शन करने से पहले हम लोग नहाएंगे। तेरा क्या कहना है? बच्चों के साथ ट्रैवल करो तो फ्रूट खिलाओ, चिप्स मत खिलाओ भाई। क्या बात है भाई, तो भाई हर किसी के अपनी सोच है। तो भाई ने काफ़ी अच्छी अच्छी इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में शेयर करी है और अपने राकेश भाई भी थोड़े बहुत थक चुके हैं बट भाई बंदा बिल्कुल फिट है। तो चलो यात्रा अपनी कंटिन्यू करते हैं, आपको रास्ते में जो भी चीज़ें आते रहेंगी वो आपको इस ब्लॉग में दिखती रहेंगी। फिलहाल अभी यहाँ से 1 kilometer रह गया अर्थ क्वारी, वहाँ पर देखते हैं कि भाई हमारे को दर्शन करने का मौका मिलता है या नहीं मिलता। जैसे कि मैंने आपको बताया था, आप जितने लोग देख रहे हो यहाँ पर जो श्रद्धालु जा रहे हैं और जो श्रद्धालु आ भी रहे हैं सबके गले पर ये रजिस्ट्रेशन वाला आईडी कार्ड सबने पहना हुआ है। सो ये मैंडेटरी चीज़ है, अब आपको हमेशा ये कैरी करने होगा, इसके बिना आप लोग यात्रा नहीं कर सकते।
ओके सो गाइस, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि सबसे पहले कि इनके साथ को अर्थक्वारी के दर्शन करने होंगे तो इसका रास्ता जो है इस साइड से जाता है, और अगर आपको हेमकोटी से होते हुए माता रानी के पवित्र भवन के दर्शन करने हैं तो आपको इस साइड से भी जा सकते हो। ये एक बीच में डाइवर्जन आता है जहाँ से दो रूट डाइवर्ट होते हैं। सो अभी हम लोगों को क्या करना है, सबसे पहले हमारे को जाना है अर्थक्वारी तक, वहाँ से हमारे को टोकन लेना है, देन उसके बाद हम लोग सीधा भवन की ओर अपनी यात्रा कंटिन्यू करेंगे क्योंकि ऊपर श्रद्धालु काफ़ी आएंगे और हमारे को पता है कि वहाँ पर वेटिंग जो है टाइमिंग है काफ़ी ज़्यादा होने वाली है। सो सबसे पहले हम लोग जाएंगे अर्थक्वारी, वहाँ से टोकन लेंगे, उसके बाद हम अपनी माता रानी के पवित्र भवन की यात्रा कंटिन्यू करेंगे। उसके बाद वापस जब हमारे दर्शन वहाँ पर हो जाएंगे उसके बाद हम लोग भैरव बाबा की जी के दर्शन करेंगे, वापस आते हुए अर्थक्वारी के दर्शन करेंगे। सो आप यहाँ से अगर अर्थक्वारी की तरफ से आप माता रानी के पवित्र भवन पर जाते हो सो यहाँ से जो रास्ता रहने वाला है वो 6-6.5 किलोमीटर का रहने वाला है, और इनकेस आप हेमकोटी से जाते हो सो आपको यहाँ से जो रास्ता मिलने वाला है वो 5.5 किलोमीटर का रहने वाला है। इसने ना काफ़ी अच्छी बात कही थी, इनकेस आप बच्चों के साथ यात्रा कर रहे हो तो यात्रा करते टाइम सबसे पहले तो बच्चों को हेल्दी फूड खिलाओ, प्लस इनकेस कोई ऐसा होता है कि यात्रा करने के दौरान बच्चा जो है यात्रा नहीं कर पाता तो आप लोग यहाँ पर आपको बेबी सीटर मिल जाएंगे, जिसमें एक बार मैं भैया से प्राइजेस पूछ लेता हूँ कि भैया इनकेस सबसे नीचे से जहाँ से यात्रा स्टार्ट होती है तो वहाँ से प्राइजेस कितने रहते हैं इसके? 540 रुपये, और सबके फिक्स प्राइस हैं, कोई ऐसा तो नहीं दूसरा बंदे तो पूछ रहा वो कोई अलग रेट बताएगा? और इनकेस कोई अर्थक्वारी से लेता है तो 240 रुपये। सो गाइस आपको फेयर मैंने आपको बता ही दिया कि इनकेस जो बंदा बेबी सीटर के दौरान अपने यात्रा कंटिन्यू करना चाह रहा है और उसके जो प्राइजेस है वो 240 रुपये अर्थक्वारी से रहने वाली है, और अगर आप नीचे से स्टार्टिंग करते हो तो वहाँ से आपको 540 रुपये जिसका फेयर रहेगा जो वन साइड का रहेगा, तो गाइस ये थी जो उमेश ने काफी बड़ी मतलब अच्छी बात कही थी कि आप लोग यात्रा के दौरान बच्चों को सबसे पहले तो यार हेल्दी फूड्स मैंडेटरी है, चिप्स वगैरह तो नॉर्मली बच्चों को आए दिन आप लोग खिलाते रहते होंगे टेस्ट के लिए, बट यहाँ पर आओ तो यहाँ पर सारे फ्रूट्स वगैरह अवेलेबल मिल जाएंगे, हेल्दी जूसेस वगैरह मिल जाएंगे आपको, अलग अलग ब्रांड्स के मिल जाएंगे, एंड खाने के लिए आपको यहाँ पर बीकानेर का जो शॉप है वहाँ पर आपको वो अवेलेबल मिल जाएंगी। सो आई होप आपको वीडियो पसंद आ रही होगी एंड हमारी यात्रा जो है काफी यात्रा का काफी आनंद ले रहे होंगे। सो अभी हम लोग पहुंचे अर्थक्वारी, उसके बाद हम लोग अपनी यात्रा कंटिन्यू करेंगे सीधा माता रानी के पवित्र भवन पर। सो मिलते हैं आपको सीधे थोड़ी देर में। सो भाई अभी थोड़ी देर पहले जो अपने अंकुश भाई ने एक बात कही थी कि आप लोग ट्रैवल करते टाइम मेडिसिन कैरी कर सकते हो, सो अभी आपने थोड़ी देर पहले एक शॉट देखा होगा डिस्पेंसरी का, ये पड़ता है अपने अर्थक्वारी में, इनकेस आप मेडिसिन वगैरह कैरी नहीं कर पाते एंड भूल जाते हो सो सब यहाँ पर आपको इजीली अवेलेबल मिल जाएंगी। एंड यहाँ पर देख सकते हो मेरे पीछे से एक ATM भी है यहाँ पर, यार देखो हम लोगों ने दो जगह ट्राई करा है, सबसे पहले नीचे जहाँ से हमारी यात्रा स्टार्ट हुई थी वहाँ पर, बट वहाँ पर जो है काश में मतलब यहाँ पर जो मशीन थी वो नहीं चली थी, वर्किंग में नहीं थी। सो यहाँ पर अर्थक्वारी है वहाँ पर हम लोगों ने ट्राई करा, बट यहाँ पर हमारा जो कार्ड है एक्सेप्टेबल नहीं रहा। सो यहाँ पर सबसे पहले रिक्वेस्ट करूँ कि आप लोग जो कैश है अपना साथ वो भी साथ कैरी कर सकते हो, क्योंकि हम हमारे को लगा था यार हमारे को ऊपर इजीली ATM वगैरह मिल जाएंगे, ATM है बट यहाँ पर कैश अवेलेबल नहीं है या तो हमारे जो कार्ड है वो एक्सेप्टेबल नहीं है। और बाकी यार ये थी थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन जो मैंने आपको बताई कि आप लोग यहाँ पर अपनी मेडिसिन वगैरह इनकेस भूल जाते तो आप यहाँ पर आपको ईजिली मिल जाएंगी। और ठीक मेरे पीछे यार देख सकते हो ये सारे आपको ये सारे ब्रांड्स के आपको यहाँ पर खाने वगैरह के सारे स्टॉल्स वगैरह मिल जाएंगे, जो नीचे मैंने आपको दिखाया था जो सबसे पहले था वो एक बीकानेर का स्टॉल था, दैन आपको यहाँ पर सागर रत्न वगैरह सारे मिल जाएंगे, एंड ये सारे अपने जो है ये सारी फैसिलिटीज़ जो है प्रोवाइड की जा रही है श्राइन बोर्ड की तरफ से, जो यहाँ के CEO हैं उन्होंने काफ़ी ज़्यादा मतलब चेंजेस कर दिए हैं, काफ़ी ज़्यादा सुधार करें, काफ़ी हर चीज़ की फैसिलिटीज़ यहाँ पर आपको ईजिली प्रोवाइड की जा रही है, और यहाँ पर आपको इलेक्ट्रिक कार्स वगैरह भी मिल जाएगी जिनके थ्रू आप लोग ट्रेवल कर सकते हो यात्रा कर सकते हो माता रानी के पवित्र। का जो आपने शॉट देखा था ना ये है अर्थक्वारी से एक नया रास्ता निकला है सीधा माता रानी के पवित्र भवन पर जाने के लिए, और दिखा दूं ये रास्ता कैसे रहने वाला है। देखो यहाँ पर श्रद्धालु जो है थोड़ा सा रेस्ट भी कर रहे हैं, सो रहे हैं, कुछ श्रद्धालु ऐसे हैं जो जिनका
यहाँ पर जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हम लोगों को अर्थक्वारी के लिए टोकन लेना पड़ता है। कुछ श्रद्धालु ऐसे जो वेट कर रहे हैं कि हमारे का जो है जिनका नंबर अभी भी पेंडिंग है, सो ये सारे श्रद्धालु यहाँ पर वेट कर रहे हैं कि जैसे उनका नंबर आएगा ये लोग अपनी लाइन पर लग जाएंगे एंड उसके बाद दर्शन करने के लिए चले जाएंगे अर्थक्वारी गर्भ जो उन जो गुफा है वहाँ पर उसके लिए। और अभी फ़िलहाल हम लोग जो है यहाँ से अभी सबसे भाई राकेश भाई सबसे बड़ी बात क्या हुई है आप खुद बताओ कि यहाँ पर हमारे को कौन लोग मिले और हमारे लिए कितनी अच्छी बात हुई है वो चीज़। हमें कुछ लोग मिले जिन्होंने अपना टोकन हमें दे दिया। हाँ तो ये हमारे लिए बहुत अच्छी बात है कि हमारा नंबर जल्दी आ जाएगा, नहीं तो 36 घंटे की वेटिंग चल रही थी। तो गाइस हम लोगों ने यहाँ पर कंफर्म करा था लोकल से जिन्होंने हमारे को, मैंने आपको पिछले वाले शॉट में बताया था कि अर्थ क्वारी के लिए अगर आपको दर्शन करने हैं तो 24 से 36 घंटे का इस टाइम पे वेटिंग टाइम चल रहा है। बट हम लोगों को अगर इस टाइम हम लोग आते और लाइन पर रखते तो मुझे नहीं पता था शायद हमारे को कितनी देर हम लोगों को यहाँ पर लाइन में खड़ा होना पड़ता और हमारे को कब टोकन मिलता और उसके बाद कब नंबर आता। बट क्या पता कुछ अच्छा ही चाहो और माता रानी ने बोला कि आप क्यों ना पूरी यात्रा अच्छे से तुम्हारी रहे, तुम हर चीज़ सारी चीज़ दिखा के जाओ। सो फिलहाल अभी हमारे को दो तीन श्रद्धालु मिले जिन्होंने हमारे को अपने टोकन नंबर दिए एंड अभी जो ग्रुप नंबर चल रहा था वो था 15 और हमारा जो टोकन नंबर दिया है वो है 146। सो हमारे को जो टोकन नंबर मिला है 146, तो क्या पता यार माता रानी की कृपा से क्या पता हमारे को जो 146 नंबर मिला है। जब तक हम लोग आगे माता रानी के पवित्र भवन पर दर्शन करने के बाद और उसके बाद हम लोग भैरव बाबा के दर्शन करने के बाद हम जब वापस आ रहे होंगे तो क्या पता हमारा ही नंबर चल रहा हो। सो इससे अच्छी बात क्या हो सकती है। सो ब्लॉग में ऐसे ही कंटिन्यू रहो, आपको आई होप आपको वीडियो में आनंद मिल रहा होगा जैसे जैसे मैं आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा हूँ। काफ़ी एक जो ब्लॉग है काफ़ी इन्फॉर्मेटिव रहने वाला है क्योंकि हर चीज़ न्यू रहने वाली है। कोविड के बाद काफ़ी सारे चेंजेस आ चुके हैं, काफ़ी ज़्यादा रास्तों में चेंजेस कर दिए जैसे कि मैंने अभी आपको शॉर्ट में बताया कि एक अर्थक्वेयर से एक और नया रास्ता है। यात्रा करते करते सुबह हो चुकी है, पीछे का नज़ारा आप लोग देख सकते हो कि कैसे रहने वाला है। सुबह इस टाइम सुबह के हो चुके हैं 6:30 बजे, हम लोगों ने यात्रा स्टार्ट करी थी बाल गंगा से 1 बजे के करीब। सो थोड़ा बहुत रेस्ट करते करते शूट करते करते हम लोगों को 5:30 घंटे हो चुके हैं। अभी यहाँ से अप्रोक्स 2.5 से 3 किलोमीटर रह गए माता रानी का पवित्र भवन। चैनल पर जो भी नए हैं सो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करो, वीडियो को जितने हो सके ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करो एंड कमेंट बॉक्स पर सारे जय माता दी भर दो एंड देखते हैं हमारे को और कितना टाइम लगता है माता रानी के पवित्र भवन पहुंचने में। ठीक सारे हमारे यहाँ पे जो मेरे दोस्त हैं सब रेस्ट कर रहे हैं, सारा रेडी रहता भाई अभी भी लगा वाला भाई चलो कितनी देर और लगाओगे बैठे नहीं तो भाई दिन निकलता जाएगा। और श्रद्धालु की यार देखो तुम्हारे सामने देख रहे हो श्रद्धालु, मतलब आए दिन श्रद्धालु की जो भीड़ है वो बढ़ती जा रही है और इस टाइम हम लोग भी चाह रहे हैं कि फटाफट से हम पहुँचे और अपने जो है दर्शन जल्दी से जल्दी करें क्योंकि इसके बाद हमारे को भैरव बाबा जी की यात्रा भी वहाँ पर जानी है, उसके बाद हमारे को वापस नीचे भी जाना है और हम लोग प्लान कर रहे हैं कि यहाँ से इसके बाद हम लोग शिवपुरी भी जाएँ। सो देखते हैं कैसा प्लान रहता है, कितना सक्सेसफुल रहता है क्योंकि नीचे आते हुए हमारे को अर्थक्वारी नीचे जो भवन है वहाँ पर भी हमारे को दर्शन करने हैं।
सो चलो मिलते हैं आपको थोड़ी देर में, तब तक आप थोड़े बहुत जो माता रानी के रास्ते में चलते हुए सुंदर नज़ारे आप उनको एंजॉय करो, देन मिलता हूँ आपको सीधा माता रानी के भवन के बिल्कुल बाहर, आपको दिखाते हुए भाई कहाँ सबसे पहले दिखाऊंगा कि कहाँ से झलक स्टार्ट होती है माता रानी के पवित्र भवन की, कहाँ से दिखती है। चलो मिलता हूँ आपसे। जैसे ही एक मोड़ आएगा जहाँ पर माता रानी का पवित्र भवन की पहली झलक दिखती है, तो ठीक मेरे सामने देखो ये है माता रानी का पवित्र भवन, और मेरे ख्याल से इसे देखते ही सारे की सबकी थकान दूर हो जाती है और सबके चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ जाती है। जितने भी श्रद्धालु यहाँ पर यात्रा कर रहे हैं सारे यहाँ पर देख के फटाफट से फोटो की क्लिक करवा रहे हैं, कोई मतलब हर किसी के चेहरे पे स्माइल सी आ गई है कि यार फाइनली लोग जिस चीज़ की इंतज़ार होती है, लोग कितने दूर दूर से ट्रैवल करके आते हैं और फाइनली जब उनको ये सामने झलक दिखती है तो लोगों के चेहरे पर मुस्कुराहट आ ही जाती है। सो मेरे ख्याल से यहाँ से 1 किलोमीटर रह गया माता रानी का पवित्र भवन ठीक हमारे सामने दिख रहा है। अच्छे से हुए हैं एंड सबसे अच्छी एक बात हमारी ये रही कि मेरे को और राकेश भाई को हमारे को जो वहाँ पर जो पंडित है वो मुझे जानते थे, तो मैं उनको सीधा पंडित जी के पास लेके गया था और हमारे को जो आरती पे जो प्रसाद चढ़ाया जाता है हमारे को वो मिला, और जिसमें हम लोगों ने काफ़ी मिल बांट के प्रसाद वगैरह खाया और कुछ प्रसाद थोड़ा बहुत प्रसाद हम लोगों ने अपने घर के लिए रखा जो यहाँ से श्राइन बोर्ड की तरफ से मिलता है। अभी फिलहाल क्या हुआ, हम लोगों में से जो चेतन गया है वो चेतन गया दर्शन नहीं हो पाए क्योंकि उसके पैरों में चोट लग गई यार थोड़ी बहुत लापरवाही के चक्कर में बेचारे के पाँव जो स्लिप हो गया और बेचारा गिर गया, उसके पाँव में लगी चोट। अभी फिलहाल उसको हम लोग घोड़ा करा रहे हैं और वो सीधा यहाँ से भैरव बाबा के दर्शन बारोबार से दर्शन करके सीधा कटरा जाएगा, वहाँ से सीधा अपने होटल पे जाएगा और फिलहाल हम लोग अपनी यात्रा जो है वो कंटिन्यू कर रहे हैं। भैरव बाबा जी के दर्शन करके सीधा हम लोग जाएंगे नीचे कटरा और उसके बाद आज हम लोग स्टे करेंगे अपने होटल में, देन कल का प्लान देखते क्या रहने वाला है। सो मिलते हैं आपको सीधा रास्ते पे, बाकी तब तक आप थोड़े बहुत जो सिनेमैटिक शॉट्स हैं वो एंजॉय करो, बाकी हो सकेगा तो देखते हैं वहाँ पर कैमरा अलाउड रहता है या नहीं रहता भैरव बाबा जी के दरबार पर। सो चलो देखते हैं।